आज हम श्री चक्र नवावरण के बारे में बात करेंगे। श्री चक्र नवावरण का श्री विद्या में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और एक प्रकार से यह भी कहा जाता है कि रिचुअल कर्म में, मतलब एक तरीके से पूजन कर्म में श्री विद्या अधूरी है नवावरण पूजन के बिना। नवावरण पूजन में हम श्री चक्र का विस्तृत पूजन करते हैं, गुरु मंडल, नित्या देवी और समस्त देवी देवताओं का, पंचदेवों का और साथ में श्री चक्र की समस्त आवरण शक्तियों का हम विस्तृत पूजन और उनको भोग प्रसाद और पूर्ण विधान इसमें आता है। ये जो हम नवावरण सीख रहे हैं लघु नवावरण है, इससे भी एक और वृद्ध नवावरण पूजन होता है। ये लघु नवावरण पूजन है, इसमें पूरे विधान में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है, बल्कि इससे कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। तो ये हम आज पूरा सीखेंगे किस प्रकार से हम श्री चक्र का नवावरण पूजन करें, क्या क्या सामग्री उसमें उपयुक्त होती है, किस तरीके से हमें अरेंजमेंट करनी है, वो सारा आज हम इस वीडियो में सारा जानेंगे कि श्री चक्र नवावरण को हम कैसे करें, उसके बारे में सारा डिटेल, एक एक वरदानी का लक्ष्य, क्योंकि इसमें पात्र साधन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, कैसे हम विभिन्न विभिन्न पात्रों को साधेंगे, उनमें क्या क्या सामान डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे, उन सबका हम विस्तृत तरीके से मैं आपको सारा समझाऊंगा, जिससे आप स्वयं ही संपूर्ण रूप से नवावरण पूजन कर सके। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। और बाकी ये संपूर्ण विधि विधान के साथ हम ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे आपको पूर्ण अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरीके से हम श्री चक्र का नवावरण पूजन करते हैं। अब हम बात करेंगे सामग्री की, इसमें हमें क्या क्या सामग्री लगती है। सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए या वुडन प्लैंक, एक प्लाई हो जिसपे आप लाल कपड़ा बिछा के संपूर्ण मंडल का स्थापन कर सकें। उसके बाद हमारे को श्री चक्र चाहिए, श्री चक्र का हमारे को स्थापन चाहिए, मेरु का मेरु श्री यंत्र हमारे पास होना चाहिए और ललिता देवी की फ़ोटो हो या मूर्ति हो, मूर्ति ज़्यादा बेस्ट रहती है, मूर्ति भी आप रख सकते हैं और फ़ोटो भी रख सकते हैं। आचमन पात्र चाहिए, आचमनी के लिए जो तांबे के हमारे पात्र होते हैं, ये सब पात्र हमारे इसमें चाहिएंगे। और फूल चाहिए हमारे को, पुष्प हमारे पास होने चाहिए। चावल चाहिए, चावल कुमकुम से कलर करे हुए भी हो सकते हैं और हल्दी से भी हम कलर कर सकते हैं चावलों को, कुमकुम और चावल के साथ चाहिए। प्लस हमें कुमकुम वगैरह भी चाहिए तिलक वगैरह के लिए। और कुछ हमारे को पंचमेवा भी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स प्रसाद के तौर पे ड्राई फ्रूट्स भी हमारे को इसमें चाहिए होते हैं। और इसमें धूप दीप दीपक चाहिएंगे हमारे को, धूप चाहिए हमारे को और निरंजन वगैरह करने के लिए सेपरेट लैंप चाहिए। और एक हमारे को इसमें बड़ा वेसल चाहिए, बड़ा कलश जिसमें हमारा श्री विद्या पूजन में अधिकतर तांबे के ही पात्र यूज़ होते हैं, तो एक बड़ा पात्र हम ले सकते हैं तांबे का, जिसमें हमारा जल भरा हो, जिससे हम जल लेंगे सारा, लेकिन जो सामान होगा वो तांबे का ही हो। उसके बाद हमें विशेष अर्घ्य बनाने के लिए पात्र चाहिए, जैसे ये वाला हमारा विशेष अर्घ्य पात्र है तांबे का लोटा, इसमें हम विशेष अर्घ्य पात्र बनाएंगे। और वरधानी कलश चाहिए, इनके बारे में हम पात्र साधन में पढ़ेंगे कैसे कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। प्लस ये गुरु पात्र और आत्म पात्र भी हमारे को चाहिएंगे, ये हम जानेंगे कैसे कैसे करना है। हमारे को चम्मच चाहिए जिससे हम सब कुछ भोग वगैरह लगाएंगे। पाउडर कॉन्डिमेंट्स हमारे को चाहिए, एक हमारे को पाउडर बना के रखना होगा, इलायची का सॉफ्ट इलायची जिसमें हमारे को चाहिए, इलायची, लौंग, केसर और कपूर, इन सबको पाउडर बना के हमारे को रखना है। और हमारे को दूध चाहिए जिसमें हम विशेष अर्घ्य बनाएंगे, दूध की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जिंजर अदरक की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, अदरक की इसके साथ ज़रूरी है। और विशेष अर्घ्य पात्र के लिए हमारे को शहद और दूध और ये सब जो पाउडर कॉन्डिमेंट जो पाउडर हमने बनाया है, लौंग का, इलायची का, केसर का और कैम्फर का, वो हमारे को चाहिए। एक पात्र चाहिए बलि के लिए, प्लेट हमारे को चाहिएगी जो हमारी आखिर में लगेगी। तो इस तरीके से फूल, पुष्प, धूप, दीपक, ये सब सामान हमारे को चाहिए इन सब पूजन के लिए। और अब हम आगे चलते हैं इसमें कि पूजन का हम शुभारंभ करते हैं।
इसमें सबसे पहले हम गुरु मंडल का पूजन करेंगे। गुरु जी की फ़ोटो हमारे पास होनी चाहिए, उनकी फ़ोटो लगाएं, दीपक लगाएं, भोग लगाएं उनको और आशीर्वाद लेंगे उनसे। आप सीरियल नंबर मैच करते रहिए पेपर के साथ, वन नंबर जो हमारा लिखा है गुरु मंडल पूजन। स्वात्मा राम पंजाबली तेजस्वी श्री परमेश्वरी गुरुवे नमः। स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतु श्री परम गुरुवे नमः। स्वरूप निरूपण हेतु श्री गुरुवे नमः। तत्वाचनम, तत्वाचनम में हम ये चारों मंत्र पढ़ के पानी को ड्रिंक करेंगे। आत्मतत्वम शोध्यामी स्वाहा, विद्या तत्वम शोध्यामी स्वाहा, इस तरीके से पात्र लेके ये हमारे को पीना है। शिव तत्वम शोध्यामी स्वाहा, संत तत्वम शोध्यामी स्वाहा। उसके बाद गणपति जी की फोटो, गणपति जी का मंत्र पढ़ेंगे, महागणपति मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वरत सर्व जन्म में वशमान्य स्वाहा। इसका 3-11 पाठ हम कर सकते हैं। और उसके बाद संकल्प है, ममोपात समस्त दुरितक्ष वधवार श्री परमेश्वर प्रत्यर्थम अस्माकम क्षेमस्थर्य वीर विजय आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त मंगल आप्त्यर्थम समस्त दुरितो पश्यान्त्यर्थम श्री महाकामेश्वर समेत महाकामेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी परा भंडारी का दर्शन भाषण सिद्धर्थे श्री चक्र नवावरण पूजाम करिष्य से। इसमें हाथ में जल लेके ये मंत्र बोलते हुए पढ़ना है कि समस्त विपदा नाश के लिए और समस्त मंगल प्राप्ति के लिए, समस्त ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, समस्त सिद्धि के लिए मैं महाकामेश्वर समेत महाकामेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी का आह्वान कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प लेके आप करें। उसके बाद थोड़ा सा कुश लेके अपने आसन पे डालें और आसन पूजन करें। आधार शक्ति कमलासनाय नमः। फिर देह रक्षा है, हाथ को सर से लेके पैरों तक ले जाते हुए इस मंत्र का जप करना है। श्री महात्रिपुर सुंदरी आत्मनाम रक्ष रक्ष, ये 3 बार पढ़ना है। तिरस्करणी होता है माया, माया को हटाने के लिए हम पूजन करेंगे। ओम नमो भगवती तिरस्करणी महामाया महानिद्रे सकल पशुजन मनस चक्षु श्रोत्र तिरस्करणम गुरु गुरु स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए हम पूजन करेंगे देवी का। और थोड़े से पुष्प जो है श्री चक्र पे हम चढ़ा देंगे। अनुज्ञा, अब दक्षिणामूर्ति ऋषि से हम आज्ञा लेंगे। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते महम मेधाम प्रयत् स्वाहा, ऋषि की आज्ञा लेनी जरूरी है। श्री गुरु दक्षिणामूर्ति भक्त अनुग्रह कार अनुज्ञा देही भगवान श्री चक्र जनाय। तो ये सब इस तरीके से रहता है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन का बता देता हूँ। सबसे उधर आगे फ्रंट में देवी त्रिपुर सुंदरी देवी की फ़ोटो रहेगी, फिर हमारा मेरु श्रीयंत्र रहेगा और ये मैंने एक एक लगाए हैं लैंप, लेकिन दो दो लैंप लगेंगे, दो लैंप इधर लगेंगे, दो दीपक इधर लगेंगे, दो दीपक इधर। और लेफ्ट साइड में जो दीपक है ये हमारा घी का दीपक रहेगा और राइट साइड में जो दीपक है वो तिल के तेल का दीपक रहेगा। तो दो दीपक घी के इधर और दो दीपक तिल के तेल के यहाँ पे लगेंगे। और एक अलग से एक दीपक अलग भी लगा के रखना है, जिसे हम कर्म साक्षी दीपक भी कहते हैं, जिससे हम सारे दीपकों को जलाएंगे। उसके बाद विशेष अर्घ्य पात्र जो रहेगा हमारा वो यहाँ पे रहेगा। सामान्य अर्घ्य पात्र जो हमारा शंख की श्रेणी में है, शंख है वो यहाँ रहेगा। और वर्धानी कलश हमारा यहाँ पर स्थापित रहेगा। उसके बाद आचमन पात्र हम यहाँ पे रखेंगे और बाकी जो आत्म पात्र वगैरह ये सब पूजन सामग्री हम आसपास, पूजन सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि सब हमारे आसपास ही हो, हमें उठना ना पड़े पूजन के बीच में, इसका हमें खास ध्यान रखना है। और अगर हमारे पास मूर्तियाँ हैं तो ठीक है, नहीं तो हम चावल की ढेरी इस तरीके से बना के भी पूजन कर सकते हैं। 4 देवताओं का चतुर्यातन पूजन रहेगा, गणेश शिव और विष्णु शिवा का। जैसे हमने यहाँ फोटो लगा रखी है, गणेश शिवा विष्णु और सूर्य भगवान, ये इसी तरीके से लगेंगी। इनकी जगह मूर्तियाँ लगा देनी चाहिए जब वो ज़्यादा बेटर रहती है, या फिर चावल की ढेरी में इनका हम पूजन कर लेंगे। ये सब एक तरीके से अरेंजमेंट है लघु नवावरण पूजन की, किस तरीके से हमें लघु नवावरण पूजन करना है। उसके बाद हम कुछ पुष्प लेंगे, इसको हृदय चक्र पर रखते हुए ये मंत्र प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ओम हंसा सोहम सोहम हंसा शिवा श्री चक्र से प्राण की प्राण, और श्री चक्र पे चढ़ा देंगे। उसके बाद श्रीनगर पूजा सीरियल नंबर 10 पे हम श्री चक्र पे हम पुष्प चढ़ाएंगे। सर्व श्रीनगर देवता भयो नमः। दीप पूजा, दीपक जो हमने लगाए हैं उनकी भी पूजन होगा और फूल चढ़ाए जाएंगे दीपक। ओम नमो अग्नि रूपाय मम शरीर स्तंभनम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्री दीप देवी महादेवी शुभम भवतु मे सदा। यावत् पूजा समाप्ति स्यात्वत् प्रज्वलत् सुस्थिरा।
भूत शुद्धि, भूत शुद्धि का मतलब होता है हमारे जो आंतरिक प्राण है, जो हमारी ऊर्जा है, अंतर तक हम शुद्ध हो जाए, समस्त भूत पंच तत्व हमारे शुद्ध हो जाए, तो हमें जो है लेफ्ट नोज बंद करके राइट नोज से सांस लेना है। मूल मंत्र पढ़ते रहे, मूल मंत्र हमारा षोडशी मंत्र होगा, और फिर लेफ्ट राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। एक तरीके का अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हम भूत शुद्धि करेंगे। 13 नंबर हमारा न्यास है, न्यास यहाँ हमारे को करन्यास और हृदयादि न्यास, जो हमारा षोडशी मंत्र में हमने सीखा है करन्यास और हृदयादि न्यास, वही न्यास हमें यहाँ पे करना है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ हमने वो ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आत्म प्राण प्रतिष्ठा रहेगी, उसमें हमारा जो है सबसे पहले 3 बार हम ये मंत्र पढ़ेंगे, ओम एम ह्रीम श्रीम आम सोहम, ओम एम ह्रीम श्रीम आम सोहम, ओम एम ह्रीम श्रीम आम सोहम, ये इस प्रकार से 3 बार ये उच्चारण होगा। उसके बाद 3 बार मूल मंत्र का उच्चारण होगा। मूल मंत्र जहाँ भी आया है उसका मतलब, मूल मंत्र का मतलब हमारा षोडशी मंत्र है। अब हम पात्र साधनम का पूरा दिखाने जा रहे हैं, पात्र साधनम क्या होता है, क्योंकि यह श्री चक्र नवावरण पूजन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और ये बहुत ही विशेष क्रिया है पात्र साधनम, जिसमें हम नवावरण पूजन में यह किया जाता है और समस्त पात्र इसमें सेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम अपना वरदानी कलश, जो कि हमारा ये पात्र है, इसमें हम जो है थोड़ा सा प्रोक्षण करेंगे पानी के साथ, फूल में इस तरह पानी लेके जहाँ पे हम वरदानी कलश रखना है वहाँ पे हम इसको रखेंगे, और थोड़ा सा पुष्प डाल के उसको स्थापित करेंगे वरदानी कलश को। इन सब पे हम कुमकुम आदि की बिंदी भी लगा सकते हैं ताकि हमारे को ये सब अच्छा लगे। और जो पाउडर कॉन्डिमेंट्स थे हमारे, इलायची केसर ये सब हमने पीस के रखे हैं, ये सब जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे, और उसके बाद जो है हम अपना सीधा हाथ कलश के ऊपर रख के मूल मंत्र जपेंगे। यहाँ गायत्री मंत्र भी जप सकते हैं और षोडशी मंत्र भी जप सकते हैं 8 बार। उसके बाद जो है यहाँ से जो हमने पानी लिया है इस तरीके से कारण कलश से हम इसको पानी से भरेंगे, और इधर से पानी लेके हम सारे पूजा पाठ जो भी हमारे पूजा के आइटम्स हैं उन पे हम उसका छिड़काव करेंगे, और इस प्रकार से यह हमारा वरदानी कलश जो है वह एक तरीके से स्थापित हो जाता है। उसके बाद हम सामान्य अर्घ्य पात्र को स्थापित करेंगे। सामान्य अर्घ्य पात्र हमारा और कुछ नहीं, शंख होता है, शंख हम बड़ा भी ले सकते हैं, इस पात्र को हम स्थापित करेंगे। उसी प्रकार से पहले हम जल के छींटे देंगे, पुष्प लगाएंगे, और उसके बाद सामान्य अर्घ्य पात्र को हम यहाँ स्थापित करेंगे। उसके बाद हम जो है मूल मंत्र पढ़ेंगे, और सबसे पहले मूल मंत्र पढ़ने से पहले वरदानी कलश से पानी लेके हम शंख के अंदर डालेंगे, क्योंकि यह हमारा एक प्रकार का पात्र है, यह पात्र में हम इसमें पानी डालेंगे इस तरीके से शंख के अंदर, और मूल मंत्र पढ़ेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे अक्षत को, ना यह मंत्र बोलते हुए अग्नि मंडलाय नमः, आदित्य मंडलाय नमः, सोम मंडलाय नमः, और फिर मंत्र शंख को टच करते हुए हम मंत्र पढ़ेंगे, पवन राजाय विद्महि पाञ्चजन्याय धीमहि तन्ना शंखः प्रचोदयात्। उसके बाद हम शंख के पानी से समस्त पूजा आइटम्स पे छिड़काव करेंगे, जिससे समस्त प्रकार से एक तरीके की विशुद्धि हो जाए, और जो शंख का पानी जितना कम हुआ है दोबारा से हम उसको भर देंगे। अब हमारा आता है विशेष अर्घ्य पात्र, जो हमारा सबसे मेन है, और हमने सबसे पहले समान शंख से उस जगह पे छिड़काव करना है जहाँ पे हमारे को वो स्थापन करना है, वहाँ पे पुष्प रखेंगे, विशेष अर्घ्य पात्र को उस पर स्थापित करेंगे। उसके बाद हम जो है एम रा अस्त्राय फट, अपकुंठन मुद्रा, इस प्रकार से मुद्रा शो करके अपकुंठन मुद्रा शो करेंगे, एम रा अस्त्राय फट बोलेंगे। उसके बाद पुष्प चढ़ाते हुए मंत्र बोलेंगे, अम अग्नि मंडलाय धर्म प्रदश कलात्मने श्री महात्मा सुंदर विशेष अर्ध पात्र धाराय नमः, और फिर दोबारा से सामान्य अर्घ्य पात्र से हम
जल का छिड़काव करेंगे एम हा अस्त्राय पट बोलते हुए। उसके बाद हम कुछ अक्षत अर्पण करेंगे विशेष अर्घ्य पात्र में, दो ये दो मंत्र बोलते हुए ओम ओम सूर्य मंडलाय अर्थ द्वादश कलात्मने श्री महात्मपुर सुंदर विशेष अर्घ्य पात्राय नमः। ओम ह्रीम ऐं महालक्ष्मीश्वरी परम स्वामिनी उर्दु शून्य प्रवाहिनी सोम सूर्य अग्नि भक्षिणी परम आकाश भाषुड़े आगच आगच विश विष पात्रम प्रतिग्रहतम होम फट स्वाहा। इस प्रकार से इसका हम वो करेंगे। आमालावर योम सूर्य मंडलाय नमः और फिर ये मंत्र बोलते हुए कुछ अक्षर चढ़ाएंगे। ओम आपे हम समेदुत विश्वता सोम विष्णुम भवाच संगते साम सीम सोम सैम सोम सा सामावली ओम सोम मंडलाय नमः। उसके बाद हमने जो है जो पाउडर कॉन्डिमेंट्स थे और शहद और दूध का जो मिश्रण बनाया हुआ था उससे हम कलश पात्र को भर लेंगे और यह हमारा एक तरीके से वरदानी कलश यहाँ पे हमारा सेट होता है, पूरा जागृत हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ मंत्र से इसको सिद्ध करेंगे। ओम जूम सह स्वाहा ओम अखंडय प्रसानंद करे परिसिद्धात्मने स्वच्छंद स्फुरण मात्रं दहि कुल नायके नमः। ओम अकुल स्नामृत करे शुद्ध ज्ञान करे परे अमृतत्व नदयस्मिन वस्तुनि क्लिन रूपिणी नमः। ओम तंत्र पिण्या करे स्त्रोम कृत्या हय स्वरूपिणी भूत्वा परामृतकारा मयि चित् स्फुरणान् कुरुं नमः। ओम ऐं ग्लूं जौं जूं सः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्राव्य श्राव्य स्वाहा नमः। ओम ऐं वद्वद् वाग्वदिनी ऐं क्लीं क्लीं क्लेद्ये क्लेद्ये महाशोमं कुरु कुरु क्लीं स्वः मोक्षं कुरु कुरु हसां स्वाहा। उसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प चारों ओर फैलाएंगे और सुधा देवी, सुधा देवी जो है एक प्रकार से अमृत की देवी है, अमृत प्रदान करने वाली देवी है। ये जो हमने विशेष अर्घ्य बनाया है यह पूरी तरीके से श्री चक्र पे समर्पित हो, समस्त देवी शक्तियाँ उससे तृप्त होए। उसके लिए हम इस विशेष अर्घ्य पात्र में सुधा देवी का आह्वान करेंगे कि वो आए और इस पूरे प्रसाद को अमृतमय बना दें। ओम सुधा देवी नमः सर्वोच्चारण समर्पयामि। सुधा देवी के नाम से हम यहाँ पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद दो कप लाने हैं, दो या तीन कप, जब हमारे शो होते हैं गुरु पात्र, आत्म पात्र और पत्नी पात्र। हमारी पत्नी भी हमारे साथ पूजा में समकक्ष बैठ सकती है, लेकिन शर्त यही है कि वह भी षोडशी से दीक्षित होनी चाहिए। अगर वह षोडशी मंत्र में दीक्षित है तो वह हमारे साथ पूजन कर सकती है, नहीं तो वो साथ थोड़ा सा दूर बैठ सकती हैं। लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर उन्होंने पूजन करना है और तो हमारे को उनको भी दीक्षित होना जरूरी है षोडशी मंत्र में। तो यह हमारा गुरु पात्र है, यह आत्म पात्र है। अगर पत्नी भी बैठी है तो साथ में एक और इस तरीके का तांबे का पात्र आएगा जो पत्नी पात्र कहलाएगा। उसके बाद पुतरनी से विशेष अर्घ्य को गुरु पात्र में स्थापित करना है। जैसे यह हमारा गुरु पात्र है तो तीन बार हम मंत्र पढ़ेंगे, तीन ट्रांसफर होंगे और तीन मंत्र होंगे। स्वात्मा राम पंजर विलीन तेज से श्री परमेश्वरी गुरुवे नमः। स्वच्छ प्रकाश विमल क्षेत्रवे श्री परम गुरुवे नमः। स्वरूप निरूपण हेतुवे श्री गुरुवे नमः। यह हमने तीन ट्रांसफर यहाँ पे करे हैं। और उसके बाद सदाशिव समरामाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परम्पराम। तो यहाँ हमने ये गुरु पात्र को स्थापित किया है और गुरु को हमने प्रणाम किया है। उसके बाद गुरु पात्र के जो हमने ये अमृत डाला है, विशेष अर्घ्य डाला है, ये हम आत्म पात्र में स्थापित कर देंगे। गुरु पात्र को हम यहाँ से हटा सकते हैं और इसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद यह आत्म पात्र है, इसको हमें पकड़ना है और मंत्र पढ़ना है। ओम इतः पूर्व प्राण बुद्धि देह धर्माधिकारता जागृत स्वम सुषुप्तवस्थासु मनस वाचा कर्मण हस्ताभ्याम पदम्भ्याम ऊर्ध्वरेण शिशना यत् स्मृतम यदुक्तम यत् कृतम तत्सर्वम ब्रह्मापर्णम भवतु स्वाहा। ओम आदि ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्मामस्मि यो अहमस्मि ब्रह्मामस्मि अहमस्मि ब्रह्मामस्मि अहमेवाम माम जीवामि स्वाहा। उसके बाद मूल मंत्र को तीन बार पढ़ना है, षोडशी मंत्र को, और जो हमारे आत्म पात्र में यह प्रसाद है उसको हमें पी लेना है। उसके बाद इन दोनों पात्रों को, गुरु पात्र और आत्म पात्र को धो के अलग कर देने हैं। उसके बाद हमारे को विशेष अर्घ्य पात्र से ही कुछ एक दो बूंदे सामान्य अर्घ्य में और कुछ पात्र दूध, ये जो हमारा कारण कलश है उसमें भी डाल देने हैं।
अब यहाँ से विशेष अर्घ्य और सामान्य अर्घ्य पात्र नहीं हिलाए जा सकते जब तक पूजा संपन्न ना हो। जो हमारा विशेष अर्घ्य पात्र है और सामान्य अर्घ्य पात्र है शंख, ये अब यहाँ से हिलेंगे नहीं, ये हमारे फिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है एक तरीके से पूर्ण रूप से पात्र साधनम का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम 16th नंबर पे हैं जहाँ से हम अपना मेन पूजन शुरू करने जा रहे हैं, जो सबसे पहला है श्री चक्र में देवी का स्थापन, इन्वोकिंग हर इन श्री चक्र। उस पर हम थोड़े से पुष्प लेंगे, हृदय चक्र पे रहेंगे, मूल मंत्र पढ़ेंगे। मूल मंत्र हमारा षोडशी मंत्र, हसरायम हसकल रेम हसौ महापद्मनाते कर्णानंद विग्रह सर्वभूतेते माता एहि परमेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिका महाकामेश्वर समेत आवयामी। श्री चक्र पर अर्पित करेंगे। उसके बाद दोबारा मंत्र पढ़ेंगे, पाद्यम कल्प्यामी नमः, अर्ध्यम कल्प्यामी नमः, आचन्यम कल्प्यामी नमः। इसके साथ हम फूल और जल अर्पित करेंगे। और लास्ट के जो दो मंत्र हैं, कपूर वेटिकाम कल्प्यामी नमः, सर्वोपचार पूजाम कल्प्यामी नमः, फ्लावर पुष्प और अक्षत हमारे को हम इसमें समर्पित करेंगे। उसके बाद मंगल कीर्तन, मंगल रात्रि कम में हमारे को एक प्लेट चाहिए तांबे की, पर ऐसे दीपक चाहिए आटे के। चाहे तो हम आटा, जैसे मैंने ये नॉर्मल मिट्टी के दीपक पे ही आटा लगा दिया है, इस प्रकार का दीपक भी चलेगा, या फिर प्योर प्रॉपर आटे के दीपक लगेंगे। अभी एक मैंने एज ए रेफरेंस दिखाया है, ये टोटल हमारे को 10 बनाने हैं, लेकिन 9 शुरू में लगेंगे, एक हमारा बचा के रखना है, वो लास्ट में लगेगा। तो इस तरीके से पहले ये आटे में चावल का आटा ले सकते हैं या गेहूँ का आटा ले सकते हैं, उसमें दूध मिला के, दूध के साथ मिलाकर थोड़ी सी चीनी डाल के आटे का दीपक बनाना है। और उसके बाद चक्र मुद्रा दिखाते हुए यह मंत्र पढ़ना है, श्रीम ह्रीम ग्लूम स्लूम ग्लूम ग्लूम लूम ह्रीम हूँ। यह हमारी चक्र मुद्रा है। इस तरीके से मुद्रा दिखा के ये 9 रखना है। उसके बाद एक तरीके से हम, यह 9 दीपक होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ ये एक नहीं है, 9 दीपक है, मैंने रेफरेंस के लिए एक दिखाया। उसके बाद हम देवी की आराधना करेंगे, जैसे आरती करते हैं, समस्त चक्रेश्युते देवी नवात्मिके आरात्रिकम मदम दुभ्यम ग्रहण मम सिद्धे है। और उसके बाद ये अलग हम रख लेंगे 9 दीपक, और एक जो बचा हुआ दीपक है वो हम लास्ट में यूज होगा। चतुर्यातन पूजन है, जो गणेश जी शिव जी विष्णु जी और सूर्य भगवान हमने लगाए हैं डायरेक्शंस में, उस डायरेक्शन में हम सबका मंत्र पढ़ेंगे। जैसे गणेश जी का, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवर सर्जनम में वशमान्य स्वाहा, सिद्ध लक्ष्मी समेत श्री महागणपति पूज्यामी नमः। अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। फिर सूर्यदेव, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम प्रकाश शक्ति सहित मार्तंड भैरव पूज्यामी नमः। पुष्प और भोग, ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलतम सर्वतम मुखम नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्यु अमृतम नमामि। ओम भूर्लक्ष्मी भूर्लक्ष्मी स्वर्वा कालगढ़ी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। विष्णु जी की पूजन करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्यु मोक्षे मामृता। ओम ह्रीं नमः शिवाय। शिव जी का पूजन करेंगे। उसके बाद लैंग पूजा बिंदु से समर्पित है, जिस बिंदु से समस्त ब्रह्मांड उदय होता है और समस्त ब्रह्मांड का लय होता है। उस बिंदु पे 3 बार हम पढ़ेंगे मूल मंत्र, षोडशी मंत्र पढ़ के अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी श्री राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिका महादेवी अप्रकाश विमर्श महामाया स्वरूपिणी श्री पादुका पूज्यामी नमः कर्प्यामी नमः। पुष्प अर्पित करेंगे, ऐसा 3 बार करेंगे। फिर 19 नंबर पे हम हैं षडंगार्चना, और ये सब पुष्प दोबारा से अर्पित करेंगे। हृदय शक्ति, शिरा शक्ति, शिखा शक्ति, कवच शक्ति, नेत्र शक्ति, अस्त्र शक्ति से पादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः। ये त्रिपुर सुंदरी देवी की मुख्य शक्तियाँ हैं, हृदय शक्ति, शिरा शक्ति, इन सबका पूजन करेंगे। फिर नित्या देवी का हम पूजन करेंगे। सबसे पहले नित्या में ललिता महानित्या ही आती है, उनको पुष्प चढ़ाएंगे मूल मंत्र पढ़ते हुए, आ श्री ललिता महानित्या श्री पादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः। फिर तिथि हम देखेंगे, जो सबसे बेस्ट तिथि नवावरण की होती है, पूर्णिमा होती है या फ्राइडे या कोई भी अच्छा दिन, उसमें हम तिथि देखेंगे। जैसे हमारी जो हिंदू तिथियां हैं, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचदशी, कौन सी हमारी तिथि आ रही है। जैसे मान के चलिए अगर पंचमी आ रही है, तो पंचमी में हमारी वही नवासिनी नित्या है,
तो सबसे पहले हम पंचमी को अगर हमने शुरू किया और पंचमी हमारा देखा जाए तो वहीन वासिनी है, तो सबसे पहले हम वहीन वासिनी से शुरू करेंगे, मतलब 5 नंबर से, उसके बाद रोटेट करते हुए 1, 2, 3, 4 लास्ट में आएगा। जैसे हमने पहले किया ओम एम ह्रीम श्रीम वहीन वासिनी नित्या श्री पादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः, ओम एम ह्रीम श्रीम ओम महावज्रेश्वरी नित्या श्री पादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः, इन सबको पढ़ते हुए अक्षत और चावल चढ़ाते रहने हैं त्रिपुर उनके ऊपर। फिर गुरुमंडल अर्चन हम करेंगे। और इसमें हमारे को जैसे ही हमारा पात्र का यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी जिंजर लगा देनी है, अदरक लगा देनी है पीछे की ओर, या उसे हम हाथ में भी ऐसे पकड़ सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे भी बांध सकते हैं, दोनों ही विधान है, चाहे तो हम हाथ में बांध लें चाहे हम यहाँ पे एक कलावे से बांध लें। उसके बाद हमारे को श्री चक्र के ऊपर जो है चढ़ाना है, एक हाथ में हमें ये रखना है और एक हाथ में हमारे को पुष्प रखना है, और इस तरीके से मंत्र बोलते हुए हमें दोनों चीज़ें जो है चढ़ानी है। जैसे मैंने मंत्र पढ़ा ओम एम ह्रीम श्रीम एम ह्रीम श्रीम एम क्लीम स्वाहा ग्लौम हसक फ्रेम हस शमलूम हसौ सैक्ष मलूम स्वाहा श्री विद्यानंदा चरण श्री महापादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः। इसमें हमारे एक हाथ में पुष्प है, एक हाथ में तर्पण है, तो ये हमारा ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे हम। उसके बाद महापादुका फिर पाल्मेश्वरी गुरु ओम एम ह्रीम श्रीम एम क्लीम स्वाहा हंसा शिवा सोहम हंसा हस प्रेम हस शमलूम हसौ सैक्ष मलवरीम स्वाहा हंसा शिवा सोहम हंसा स्वात्मराम पंजा विलीन तेज श्री पारमेष्ठी गुरुवे नमः श्री पादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः। उसी तरीके से परम गुरु और श्री गुरु का पूजन होगा इन मंत्रों को बोलते हुए। एंड में जो रहेगा हमारा सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परम्परा, गुरु लीनेज जो है हमारे यहाँ पे पूजन होती है। उसके बाद प्रथम आवरण होगा हमारा पूजन। इसमें दो तरीके से मैं आपको बता देता हूँ आवरण पूजन जो होगा, क्योंकि ये सब हम श्रीचक्र न्यास में समस्त आवरणों के बारे में डिटेल जान चुके हैं, तो यहाँ हम पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ आवरण पूजन कैसे होता है। जैसे आप ड्राइंग देखेंगे, अगर आप ड्राइंग देखेंगे जो आपको नोट्स मिला है उसमें नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही सेकेंड आवरण में, या तो आप जो ये अर्पण करेंगे प्रसाद डायरेक्ट उस पॉइंट पे कीजिए, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, लेकिन आपको फिगर साथ में रखनी पड़ेगी, ड्राइंग साथ में रखनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें ये षोडश कमल की, ये 16 कमल दल है, इसमें रोटेशन कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो सब आपको ड्राइंग में दे रखी है। जैसे हमारा प्रथम आवरण है और ये द्वितीय आवरण है, तो इसमें हमारा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से है, तो 1 नंबर की देवी 2 नंबर की देवी डायरेक्ट हम वहाँ अर्पण करें, या फिर एक विधान ये है कि हम सीधा श्री चक्र में ही अर्पण कर दें ताकि वो सब माना जाए। इसमें हमारा हमेशा ओम, जैसे हमारा फर्स्ट मंडल आता है त्रिलोक्य मोहन चक्र, ओम अणिमा सिद्धि श्री पादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः, तो ओम स्टार्टिंग में और श्री पादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः लास्ट में ऐड होता रहेगा। जैसे लघिमा सिद्धि खाली लिखा है तो उसके आगे ओम और श्री पादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः, यह आपको हर एक में ऐड करते जाना है। ऐसी महिमा सिद्धि ईशत्व सिद्धि, इसी प्रकार से यह समस्त आवरण होते रहेंगे। फिर इनर मोस्ट मिडल वॉल आ गई, इनर मोस्ट वॉल सेकेंड आवरण इसी तरीके से हो जाएगा, कामाकर्षिणी नित्य कला देवी ओम शुरू में और श्री पादुकाम पूज्यामी तर्प्यामी नमः। और आवरण का मैंने बता दिया, या तो आप बिल्कुल पॉइंट पे कीजिए या फिर ऊपर, या इसमें तर्प्यामी करके साथ में पुष्प और चावल भी चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा आवरण, चौथा आवरण, पांचवा आवरण, छठा आवरण, सातवां आवरण और अष्टम आवरण। अष्टम आवरण में पहले आयु दर्चना हो जाएगा, फिर एट्थ आवरण की पूजन हो जाएगा, उसके बाद नौवा आवरण हो जाएगा हमारा। फिर नौ आवरण हम ऑलरेडी श्री चक्र न्यास में कर चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट आते हैं 31st नंबर पे ललिताम्बिका अर्चन में। यह अर्चना है, इसमें पुष्प हम चढ़ाएंगे, जैसे ओम एम ह्रीम श्रीम श्री सिंहासनेश्वरी नमः, ओम एम ह्रीम श्रीम ललिताई नमः, ओम एम ह्रीम श्रीम महाराज्यायी नमः, वराकुश्यायी चापिन्यायी त्रिपुरायी महात्रिपुरसुंदरी, इस प्रकार से हर नाम के साथ हमारे को श्री चक्र पे पुष्प चढ़ाने हैं। फिर धूप मंत्र, दुरसी धूप दुर्वलतम धूप
तम योस्मान ध्रुवती तम ध्रुवम वयम ध्रुवास्वत्म देवनमासी सस्मृतम प्रकृतम चुष्टम वही तम नत्वम देव हत मम हरमस्ति हरिदाम भोग हस्त महावामित्र त्वा चक्षुषा प्रेष्य मा भीर्मा सवामशा ता मा त्वा ही भूत्सशम धूप लगाएंगे। ओम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी श्री राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी परावटारिका महादेव नमः धूप माधुर्यामी धूप दिखाएंगे यहाँ पे हम। फिर आता है दीपक अखिला उद्देव जात वेदो पनातंत्र मम पशु गमश्च मह वापः जीवनम च दिशो देश मानो हिंगु सृजत वेदो गमश्वम पुरुषम जगत अभिवृतन आगाही श्रिया मां परिपात अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी श्री राज राजेश्वरी ललिता महात्र प्रसुति परा भंडारिका महादेव नम एक आरती दीपम दर्शामी दीपनंत्रम आचमियम समर्पयामी पुष्पै पूज्यामी दीपक दिखाएंगे और दीपक दिखाने के बाद जल से इस तरीके से दीपक के चारों ओर ये लगाएंगे और पुष्प समर्पित करेंगे दीपक को। महानैवेद्य महानैवेद्य में जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं वो सब रखेंगे। सबसे पहले हम सामान्य अर्घ्य से जल लेके और एक प्रकार से जहाँ हमने प्रसाद रखा है वहाँ पे हम इसको पानी से छिड़केंगे फूल से। मूलम मूलम मंत्र षोड़शी मन साग्याय सायुधाय सवायनाय सा परिवार सर्वात्मिकाय श्री महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिकाय नमः नैवेद्यम कल्प्यामी नमः नैवेद्यम अर्पित करेंगे त्रिपुर सुंदरी देवी को। मधुवातारित्यते मधु शरंति सिंधवा मांडवीना संतोषति मधु नक्त मुतोषति मधु मत पार्थ गजरजह मधुरस्तो नापिता मधुमान वनस्पति मधु मांगु वस्तु सूर्य माधुर गर्भवंतु न मधु 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 ब्रह्मापर्णम ब्रह्म वाग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणे तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना महानैवेद्यम निवेद्यामि अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी श्री राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिका महादेव हस्त प्रक्षालन गणेश्वर पद प्रक्षालन आचमियम चाकल्प्यामि नमः। आचमियम लेके जो हमने प्रसाद चढ़ाया उसके चारों ओर बलि अब बलि पात्र आ गया है हमारा बलि पात्र हम करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य अर्घ्य से कुछ जल लेके छिड़केंगे उसके बाद हम जो है बलि पात्र लगाएंगे। उसके बाद हमारे को क्या करना है विशेष अर्घ्य का कुछ थोड़ा सा पार्ट और कुछ हमारा सामान्य अर्घ्य का जल हम यहाँ पे रखेंगे और कुछ जो है नैवेद्य जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है वो सब भी हम यहाँ पे बलि के लिए रखेंगे। उसके बाद नैवेद्य वगैरह को हम यहाँ से उठा सकते हैं। फिर तांबूल चढ़ाएंगे तांबूलम पुंगी फल समायुक्तम नागवल्य दलयुक्तम कपूर चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहतम तलातल कपूर कूप भाग समन्वितम इला पत्र सरु संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहतम तांबूलम मतलब पान मीठा पान बना के खिलाएंगे। कुलदीप जो हमने 9 दीपक आटे के बनाए थे उसमें से एक दीपक हमने बचा रखा था वो हम एक प्लेट में रख के यहाँ चढ़ाएंगे। अनंत तेजो बहिस्तेज एकीकृत्या में त्रिधा दीपम परिब्रह्म कुल दीपक नमस्तुते जो हमने आटे के इस तरीके के दीपक बनाए थे 9 दीपक तो हमने मंगल कीर्तन किया था जो एक बच गया है वो हम लास्ट में यहाँ पे कुल दीपक के रूप में चढ़ाएंगे। कपूर निरंजन कपूर को एक चम्मच में रख के या एक प्लेट में रखें अग्नि देंगे और उसको कपूर का आरती करेंगे। सोमो वा एतस्य राज्य मात्ते यो राजा सम्राज्य वा समय यजते देव सुमा मेतानी हवि कुछ भवंती एतवंतु वही देवान अंगु सवा ता एवास्मय समान प्रचयंती ता इनम पुनः सवंते राज्याय देवसु राजा भवती न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुद्यव अग्नि त्वमे भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी श्री राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिका महादेव्य कपूर निरंजनम दर्शयामि नमः। कपूर को इस तरीके से हम एक छोटी सी प्लेट में रख के अग्नि देंगे उसके बाद आचमनियम देंगे निराजनंतरम आचमनियम कल्प्यामि आचमनियम मतलब जो जल है उसके चारों ओर छिड़केंगे। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका श्री राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिका महादेव नमः पुष्प अर्पित करेंगे लास्ट में। फिर मंत्र पुष्पम शिवे शिव सुषिता नमृत तरंग गंधोलास प्रणाम देवते नवनाव मृतनी गुरुक्रम पुरस्कृति गुण श्री नित्यजुले षडक परिवारित कलित एवं पुष्पांजलि पुष्प
पुष्प अर्पित करेंगे। बलिदान लास्ट में जो हमने बलि पात्र यहाँ बना रखा है, वरदानी कलश से हम जल लेंगे और तत्व मुद्रा दिखाएंगे। इस तरीके से तत्व मुद्रा इनको हम शो करेंगे। उसके बाद तीन बार हम ताली बजाएंगे और अपुंठन मुद्रा, इस तरीके की मुद्रा हम शो करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीम सर्वे प्रतम्भे सर्वभूतेभ्यो ओम पट स्वाहा। उसके बाद ये बलि पात्र वहाँ से हटा देंगे हम यहाँ से और हाथ धो लेंगे। बलि जब भी हम देते हैं तो हाथ धोना जरूरी है। उसके बाद देवतोद्वासनम, साधु व साधु वा कर्म यद्या चरितम मया तत् सर्वम कृत्वा देवी ग्रहणार्थम वा। मतलब जिस भी जितने भी देवताओं की हमने पूजा करी है उनको सबको हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद विशेष अध्याय उद्व्यासन, आठ ज्योति ज्योतिरहमस्मी ज्योतिर ज्वलती ब्रह्मास्मी ज्वहमस्मी ब्रह्मास्मी अहमअस्मी ब्रह्मास्मी अहमे वाम वाम जो होगी स्वाहा। उसके बाद हम जो है हमारा पूजन समाप्त होता है और जो विशेष अर्घ्य है इसको हम अपना अलग रख सकते हैं और यह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो नैवेद्य के आइटम है वो सब परिवार वालों को बांटे जाएँ और इन प्रसाद को हम जो है सेवन करें। और सबसे बेस्ट यही रहता है जो हमने पात्र लिए हैं, जैसे ये अगर हमने विशेष अर्घ्य पात्र लिया है वरदानी कलश, ये हमारे फिक्स हो जाए। इन पात्रों का फिर हम किसी और पूजन में काम ना करें या श्री चक्र पूजन के लिए सेपरेट ही रखें। इनको किसी और पूजन के साथ जो है मिक्स नहीं करना है। इन पात्रों को फिक्स करके आपको अलग जगह पर रख लेना है, जैसे गुरु पात्र आत्म पात्र इन सबको। तो इस प्रकार से हमारा संपूर्ण नव आवरण पूजन जो है समाप्त होता है और यह बहुत ही एक विशिष्ट और विस्तृत पूजन है जिससे हमारा संपूर्ण श्री चक्र पूजन हो जाता है और समस्त देवी देवताएं इसमें आ जाते हैं और समस्त प्रकार से हमें हर प्रकार की इच्छा हमारी पूरी करते हैं और ये पूर्ण श्री चक्र को जागृत कर देता है, क्योंकि इसमें समस्त देवियों को शक्तियों को हमने पूजन किया है, उनको भोग दिया है और अपने आप देखा जाए तो बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से प्रभावयुक्त पूजन है।